फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नितेश, सर्किल बेस्ट ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल जिसका कि एग्ज़ाम आगामी होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं झारखंड स्पेसिफिक और क्वालिटी के वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि झारखंड स्पेसिफिक में आज मेरा टॉपिक है जनजातीय विद्रोह एवं आंदोलन के कारण, कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके कारण कि जनजातीय विद्रोह हुए, आदिवासी विद्रोह हुए, उसके कौन कौन से कारण थे। तो उसी कारणों पर आज चर्चा करेंगे और उन कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे पहला आंतरिक स्वायत्तता पर आघात। आदिवासी पहले स्वतंत्र रूप से रहते थे, उनके शासक भी जो थे वे ऐसा कभी प्रयास नहीं करते थे कि उनकी आंतरिक स्वायत्तता खत्म हो। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का प्रवेश उनके क्षेत्र में हुआ, तो अंग्रेजों ने अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। इस कारण से क्या हुआ कि आदिवासियों में व्यापक संतोष फैला। दूसरा, अंग्रेजों ने यह प्रयास किया कि आदिवासियों के जो मुखिया थे, उनका कहना था कि आदिवासियों के मुखिया जो है वो मूर्ख हैं, व्यभिचारी हैं, अत्याचारी हैं, अंधविश्वासी हैं, विलासिता में डूबे रहते हैं, इसलिए आदिवासियों का भला उनके नियंत्रण में ही रहकर हो सकता है। आदिवासियों ने इसका भी विरोध किया। तीसरा, आदिवासियों के प्रदेशों पर अधिकार। आदिवासियों के किसी शासकों ने ऐसा या किसी अन्य शासकों ने, भारतीय शासकों ने ऐसा प्रयास नहीं किया था कि आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार किया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने यह प्रयास किया कि इस पर पूर्ण अधिकार किया जाए। और साथ ही साथ सामरिक, व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि को देखते हुए, प्रशासनिक दृष्टि को देखते हुए, उन्होंने कई आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें बनवाए, थाने स्थापित किए, सैनिक छावनियां बना दी, जिससे आदिवासियों में बहुत सी असंतोष फैला। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने कानून थोपने का प्रयास किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह प्रयत्न किया कि जैसे भारत के अन्य क्षेत्रों में जहाँ की अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेजी प्रांत जो थे जिस पर कि उनका शासन चल रहा था, वैसे ही कानून उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के, मतलब बिना किसी सोच विचार के, भेदभाव नहीं कर सकते, बिना किसी सोच विचार के आदिवासी क्षेत्रों में वो कानून थोपने का प्रयास किया, जिससे कि आदिवासियों में बहुत बड़ा रोष फैला। साथ ही साथ अंग्रेजों ने जब आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा करने का कोशिश कर रहे थे, जब इस क्रम में वो थे, तो यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी और पुलिस जो है वो तैनात किए गए थे, और ये अधिकांशतः बिहार और बंगाल के थे। तो इस कारण से क्या हुआ, ये गैर झारखंडी थे, तो इन्होंने क्या किया, आदिवासियों का, भोले वाले आदिवासियों का बहुत ही शोषण किया। इन सब कारणों से राजाओं और जमींदारों में भी रोष प्रकट हुआ और उन्होंने भी आदिवासियों को भड़काया। जैसे कि अंग्रेजों ने पलामू के जयनाथ सिंह, ढालभूम के जगन्नाथ ढाल, रामगढ़ के मुकुंद सिंह आदि के संथाल परगना जमींदारों का जमीन छीन लिया, उनके प्रभाव क्षेत्र से उनको उखाड़ फेंक दिया। तो क्या हुआ, उनमें भी रोष आया। तो इस कारण से आदिवासियों ने और साथ ही साथ राजाओं और जमींदारों ने भी असंतोष फैलाया अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ये सभी राजनीतिक कारण थे जिस कारण से आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध रोष प्रकट किया। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में कृषि की समस्या। प्राचीन काल से ही आदिवासी जंगल के पुत्र कहे जाते हैं। जंगल के लकड़ी, फल, फूल, शहद आदि कलेक्ट करके, उनका संग्रह करके वो अपना जीवन यापन करते थे और वर्ष में एक बार स्थानांतरित खेती भी करते थे। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लागू करके उन्हें एक जमीन पर निश्चित करने का प्रयास किया, जिससे उनमें असंतोष फैला। साथ ही साथ जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हो गया तो लगान की दर बढ़ गई, कर्ज में वो डूबते चले गए और जिस भी महाजन से वो कर्ज लेते थे वो ऋण ना चुका पाने के कारण उनका जमीन भी उस महाजन के पास चली गई। साथ ही साथ
1770 और 1780 में झारखंड में बहुत बड़ी भुखमरी आई, जिस कारण से रोजी रोटी के तलाश में अधिकांशतः आदिवासी जो है वो सीमावर्ती दूसरे राज्यों में चले गए, और जो नहीं गए उन्होंने हथियार उठा लिया। तो अंग्रेजों के विरुद्ध रोष का ये एक आर्थिक कारण था, कृषि की समस्या। निर्वाह के साधनों पर नियंत्रण, 1870 के अंग्रेजों का जो वन कानून था उसके कारण से ये, और फिर बाद में संशोधन जो किया गया 1875 में, तो वन कानून में क्या हुआ कि आदिवासियों के उनके मूल काम जो कि शहद का संग्रह, लकड़ी, फल फूल आदि का जो संग्रह करके वो जीवन का निर्वाह करते थे, उससे उन पर उन सब सारी चीज़ों पर रोक लगा दी गई। तो इस कारण से क्या हुआ कि वो अपने व्यवसाय से वंचित हो गए। अब उनके पास ना काम था ना खेती था, तो इस कारण से उसमें रोष प्रकट हुआ, वो अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने हथियार उठाया। अब यहाँ तक सिर्फ अंग्रेजों को ही हम दोषी नहीं कह सकते हैं, अंग्रेजों के साथ साथ जमींदार, ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी ये भी सारे थे जिन्होंने कि आदिवासियों का भरपूर शोषण किया। भोले वाले सीधे साधे आदिवासियों का बहुत ज़्यादा शोषण किया, साहूकारों ने उचित दरों पर ऋण दिया, व्यापारियों ने वस्तुओं को मनमाने ढंग पे बेचे, ठेकेदारों ने पेड़ पे पेड़ काट लिए, जमींदारों ने कड़ाई से कर वसूले। इन सभी कारणों से आदिवासियों में अंग्रेजों के विरुद्ध, साथ ही साथ जमींदार, ठेकेदार, साहूकार, इन सब के विरुद्ध जो है बहुत ही ज़्यादा रोष या असंतोष कहते हैं फैला। इन सब कारणों के अलावा, जब हम आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण देख लिए, इन सब कारणों के अलावा सामाजिक कारण भी थे और धार्मिक कारण भी थे। सामाजिक कारण क्या था? सामाजिक कारण था जनजाति प्रथाओं में हस्तक्षेप। विलियम बेंटिंग ने जब ब्रिटिश सरकार जनजातियों की कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए, तो इन सब नियम कानून का आदिवासियों ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि उनका वे अपने खुद मामले तय करते थे, अपने नियमों के अनुसार सजा देते थे। और लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके इन अधिकारों को छीनने का प्रयास किया, उन्हें ब्रिटिश कानून मानने के लिए मजबूर किया, जिससे आदिवासियों में असंतोष पनपा। दीकुओं एवं आदिवासियों में सामाजिक अलगाव। दीकू जो गैर आदिवासी थे, गैर झारखंडी आदिवासियों, दीकू जो थे, जो गैर झारखंडी थे, वो अपने से आदिवासियों को हीन समझते थे और उससे दूरी बना के रखते थे, और सामाजिक अलगाव का दुष्प्रभाव था। आदिवासियों ने दीकू मतलब परेशान करने वाला कहते थे, पति हो जाने पर हमला भी कर बैठते थे। तो ये सारे सामाजिक कारण थे। अब धार्मिक कारण का बात करें तो ईसाई धर्म प्रचारकों गतिविधियाँ, यहाँ ये बात सही है कि आदिवासियों को विपत्तियों में ईसाई धर्म प्रचारकों ने मदद भी किया, लेकिन साथ ही साथ वो जो है उनकी पारंपरिक विश्वास प्रणालियाँ आदि के विरुद्ध बोलते थे, काम करते थे। तो इन कारण से क्या होता था, आदिवासियों में असंतोष पनपा इन सारी चीज़ों से, क्योंकि उनके वो धार्मिक मानना जो था आदिवासियों का, उनका विरोध करते थे, उनके विरुद्ध बोलते थे, उनके कुरीतियों को उजागर करते थे, इससे भी आदिवासियों में असंतोष पनपा। तो इन सभी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से आदिवासियों में अंग्रेज, साहूकार, जमींदार आदि के विरुद्ध बहुत ही ज़्यादा असंतोष बनपा, और यह असंतोष धीरे धीरे करके आदिवासी विद्रोह या जनजाति विद्रोह का रूप लिया, जिसमें कि बहुत सारे विद्रोह जैसे ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, घटवाल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, तिलका आंदोलन, इन सब पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।